हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लेवर्स इन किचन बाय अंकिता। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रैंकी, बट ये मेरी फ्रैंकी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये मैं बहुत ही नए तरीके से बनाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बंच लिया है पालक का, जिसे मैंने ब्लांच कर लिया है। ब्लांच मतलब मैंने उबलते पानी में इसे करीब एक मिनट के लिए छोड़ा और फिर वापस से मैंने इसको बर्फ़ वाले पानी में डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने लिए हैं एक कप काबुली चने, जिसे मैंने पहले से बॉईल कर दिया है नमक वाले पानी में ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पे करीब एक चौथाई कप मैंने लिया है धनिया, और ये अदरक के दो टुकड़े हैं, और चार पांच लहसुन की कलियाँ और दो हरी मिर्च। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम दरदरा पीस लेंगे काबली चने को, और पालक को भी हमें पालक और धनिये को साथ में पीसना है। ये देखिए थोड़ा दरदरा ही मैंने इसको पीसा, बहुत आपको बारीक नहीं पीसना है। और वैसे ही पालक को भी मैंने पीस लिया है। पालक के साथ मैंने धनिया और मिर्च डालकर पीसा है, और काबली चने के साथ अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने मिक्स किया है इसमें पालक काबली चने में जो मैंने पीसा था, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश यूज़ किया है, तो आप ड्राई वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टीस्पून अमचूर पाउडर का इसमें मिला रही हूँ, और ये करीब आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है, और आधा टीस्पून के करीब गरम मसाला। मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैंने पहले ही हरी मिर्च डाली है इसमें। और करीब एक टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी का डाला है, और थोड़ा हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, क्योंकि नमक हम थोड़ा कम ही रखेंगे। पहले से हमने काबली चने में नमक डाला है तो हमें थोड़ा पालक के लिए ही बस चाहिए होगा। और ब्रेड क्रम्स हम उतना डालेंगे जितना कि हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। देखिए बहुत इसको लूज आपको नहीं रखना है, थोड़ा इतना रखना है ताकि ये हमारा शेप ऐसे आराम से बन जाए। तो अभी ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। और अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने चीज़ के कुछ क्यूब्स लिए हैं। आप चाहें तो मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है, या फिर आप नॉर्मल चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़। तो अभी मैंने इसको कबाब के अंदर, ये जो मैंने रेडी किया है पालक और काबली चने का, उसके अंदर मैंने फिल करके इसको शेप बना दिया इस तरह से, ये देखिए। और इसी तरह से आपको बाकी का भी शेप रेडी करना है। और यहाँ पे मैंने एक तवा गरम किया है जिसमें मैंने ऑयल डाला है करीब एक टेबलस्पून, एक से दो टेबलस्पून आप ऑयल इसमें डालें, और हम इसे अच्छे से तवे पे सेंक लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी कबाब होते हैं क्योंकि इसमें पालक भी है और काबली चना भी है, और बच्चों को आप आराम से दे सकते हैं क्योंकि बच्चे पालक खाने में कितनी बार मना करते हैं, तो ये चीज़ इसके अंदर है तो आराम से बच्चे भी पसंद करेंगे इसको। तो अभी हम इसको दोनों तरफ से पलटकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए हमारे जो कबाब हैं और या फिर टिक्की जो है, अब रेडी हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने पांच छह आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू आपको लेने हैं, मीडियम या बड़े आप किसी भी तरह के आलू ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आलू थोड़े कम स्टार्च वाले हों, थोड़े टाइट से हों आलू,
और हम अब इसको ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट जो हम करेंगे इसको आपको मोटी साइड से ग्रेट करना है, आपको पतली साइड से ग्रेट नहीं करना है। ये देखिए ग्रेट करके ये रेडी हो गया है। और इसको मैंने क्या किया था, धोकर इसके पानी को अच्छे से निचोड़ दिया है। और अभी मैं यहाँ पे इसमें नमक डाला है मैंने, और अब इसके साथ अभी मैं डालूँगी थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि नमक और जो काली मिर्च हमने मिक्स किया है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अभी हम क्या करेंगे, अभी वापस से हम तवे को गरम करेंगे और उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ये देखिए ये मैंने इसको तवे को गर्म करके इसमें ऑयल डाला है, और इसी तरह से हाथ से हम इसको इसके ऊपर फैलाएंगे। इस तरह से हमें अच्छी तरह से फैलाना है, इवेनली फैलाना है इसको। बहुत मोटी परत नहीं रखनी है, हमें थोड़ी सी पतली ही परत रखनी है। और बाइंडिंग के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर का मैंने इस 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है, उसको मैं अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए इसके ऊपर हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स बचा कर रखे थे, तो अभी हम क्या करेंगे, उस ब्रेड क्रम्स को भी इसके ऊपर थोड़ा डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, बट मैंने चीज़ कबाब्स में डाले हैं तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर चीज़ नहीं डाले हैं। अदरवाइज़ आप इसके ऊपर भी चीज़ डाल सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर ऐसे मीडियम आंच पे ही हम इसको पका लेंगे दोनों तरफ से पलट कर। ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी होता है। और अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से जब हमारी ये चीला भी रेडी हो जाएगी तो अच्छे से हम सेक लेंगे इसको दोनों तरफ से। तो अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सिज़वान सॉस लगा रही हूँ और थोड़ा मैं टोमेटो सॉस लगाऊंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर मायोनीज भी लगा सकते हैं। और अभी जो मैंने कबाब्स बनाए थे मैं ऐसे बीच में इसके ऊपर रख दूंगी, और इसके ऊपर मैं थोड़े पतले कटे प्याज और शिमला मिर्च मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर पतली कटी शिमला मिर्च मैंने डाली है, और थोड़ा हम ऊपर से चाट मसाला का डालेंगे। और थोड़ा मैंने अभी काली मिर्च का पाउडर भी डाला है। अगर आप बच्चों के लिए इसको बना रहे हैं तो आप बस टोमेटो सॉस और मेयोनीज डाल सकते हैं इसके ऊपर। जो आलू का मैंने रैप रेडी किया है तो आप उसके ऊपर बस मेयोनीज और टोमेटो सॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने शेज़वान यूज़ किया है। और इस तरह से हम रैप कर लेंगे इसको, रैप करके इसको अच्छी तरह से
एक बार फिर से पलट कर हम सेक लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर टूथपिक लगा दें या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल में इस तरह से इसको रैप कर सकते हैं। ये देखिए टिक्की, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।